वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर और माइनस डी। तो बेटा आर का मान अंडर रूट ऑफ टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन, थ्री का नाइन, माइनस फाइव, तो ये फाइव। तो रेडियस कितने आ गई बेटा हमारे पास, तीन आ गई है। ये समीकरण दो दे दे इसको, केंद्र तो आ गया हमारे पास टू माइनस वन और थ्री, और रेडियस आ गई है बेटा थ्री। यहां तक एक बार फटाफट से लिखे इसको। अच्छा प्रश्न अपने लिख लिया तो सॉल्यूशन आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं फटाफट। अब क्या करेंगे, दिए गए समतल के समांतर समतल का समीकरण लिखेंगे बेटा। अब दिए गए समतल 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू फोर के समांतर समतल का समीकरण। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू फोर। तो बेटा 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू फोर के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा। लेट मान लिया हमने 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन नंबर तीन हो गई बेटा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि ये समतल गोले का कैसा बने, स्पर्श समतल बने। तो एक बार यहां तक हल लिखिए फिर आगे करवाते बेटा। लिखा यहां तक बेटा, आगे देखो। यदि या ऐसा कर देते बेटा अपन, कि अब गोले के केंद्र से इस जो समतल लिखा हुआ ये ऊपर वाला, इस पर खींचे गए लंब की लंबाई लिख देते हैं ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन थ्री फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेयर वन, ठीक है। क्या होता है बेटा, पी से डिनोट करते हो, ये लिखा हुआ सेंटर क्या जाएगा, टू इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू माइनस वन, और ये बेटा प्लस में लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ
टू का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? टू टू जा फोर, माइनस वन, माइनस थ्री, प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ टू टू जा फोर, वन और वन। तो ये तो कट गया बेटा यहाँ से यहाँ, तो ये बन गया हमारे पास p इक्वल टू लैम्डा अपॉन रूट सिक्स, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब ये कह रहा है बेटा कि ये समतल जो है वो गोले का स्पर्श समतल है, r बराबर अंडर रूट तीन है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार समतल तीन गोले एक का स्पर्श समतल है, तब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लेन थ्री इज टेंजेंट टू स्पेयर वन, देन पी इज इक्वल टू आर, विच इंप्लाइज पी का वन अंडर रूट और लैम्डा अपॉन अंडर रूट सिक्स इक्वल टू आर की वैल्यू बेटा थ्री। और यहां पर लेंथ में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइन आते हैं बेटा, इसलिए क्योंकि ये लैम्डा के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो हम क्या करते हैं जब ये अपन जो मॉड हटा रहे हैं उसकी जगह प्लस माइनस साइन डाल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस थ्री अंडर रूट ऑफ सिक्स के बराबर, ठीक है बेटा। यहाँ इसको दे दे इक्वेशन नंबर पाँच, एक बार यहाँ तक फटाफट से सॉल्यूशन लिखे। बेटा आगे देखो बेटा, लैम्डा का मान समीकरण पांच से समीकरण तीन में रखने पर ऑन रिप्लेसिंग दी वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन फाइव इनटू इक्वेशन थ्री वी गेट, क्या मिलेगा बेटा अपने को,
टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस माइनस थ्री रूट सिक्स इक्वल टू जीरो, जो कि अभीष्ट समतल का समीकरण है। Which is required equation of plane। लिखे बेटा ये हमारा plane की equation आ गई है, ये हमारा हल है, ये हमारा हल है। उतारे जल्दी से बेटा इसको। अगला देखिए बेटा, एक क्वेश्चन देखिए आगे। अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्सरसाइज का ही। सिद्ध कीजिए कि समतल 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इक्वल टू जीरो गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल टू थ्री को स्पर्श करता है तथा स्पर्श बिंदु ज्ञात कीजिए। शो दैट, इंग्लिश में देखो बेटा, शो दैट द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इक्वल टू जीरो टचेस द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई ये माइनस बेटा माइनस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल टू थ्री एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सॉल्यूशन देखो क्या बताना बेटा कि ये समतल इस गोले को स्पर्श करता है। ठीक है, तो दिया गया गोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू जेड इक्वल टू थ्री या माइनस थ्री इक्वल टू जीरो इसका केंद्र और त्रिज्या
सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर वन क्या जाएगी बेटा, सेंटर रेडियस वन टू और माइनस वन, और रेडियस क्या जाएगी बेटा, रेडियस हमारे पास आ जाएगी बच्चों आर मान लेते हैं रूट ऑफ वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस डी, दैट इज आर बराबर आ जाएगा रूट ऑफ वन प्लस फोर प्लस वन प्लस थ्री, तो ये आ जाएगा थ्री। ये इक्वेशन नंबर टू दे दे। अब ये गोला या ये समतल इस गोले को स्पर्श करता है उसकी बात करनी है, तो गोले के केंद्र से वन टू माइनस वन से समतल 2x माइनस टू वाई प्लस जेड प्लस बारह इक्वल टू जीरो पर खींचे गए लंब की लंबाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू दी प्लेन 2x माइनस टू वाई प्लस जेड प्लस बारह इक्वल टू जीरो फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, P की वैल्यू लिखो यहां तक फटाफट से, क्या हो जाएगा P का मान बेटा, P बराबर हमारे पास आ जाएगा वन इंटू टू टू माइनस का फोर और माइनस का वन प्लस बारह अपॉन अंडर रूट ऑफ चार चार और एक, पी बराबर हमारे पास आ जाएगा बेटा नौ बटा तीन, तीन आ जाएगा। तो यदि समतल या ऐसे कह देते कि यहाँ P बराबर R है, अतः समतल 2x प्लस टू वाई प्लस जेड प्लस बारह इक्वल टू जीरो गोले एक को स्पर्श करता है, सिंस हियर P इज इक्वल टू R, देयरफोर प्लेन 2x माइनस टू वाई प्लस जेड प्लस बारह इक्वल टू जीरो टचेज द स्फीयर वन, टचेज द स्फीयर वन। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, सॉल्यूशन नंबर फटाफट से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो बेटा इसको, फटाफट से लिख लो। तो ये तो गोला हो गया हमारा जिसका सेंटर दिया हुआ है बेटा, कितना सेंटर था इसका वन टू माइनस वन, रेडियस हमने निकाल ली तीन, लंब की लंबाई तीन आई गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जहां पर टच कर रहा उसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालो, तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे बेटा कि इस रेखा का समीकरण बना देंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस टू अपॉन माइनस टू और जेड प्लस वन अपॉन वन इक्वल टू आर, लेट या आर की जगह लैम्डा के कुछ भी मान लो, इस पर किसी एनी पॉइंट की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा एनी पॉइंट टू के प्लस वन, टू माइनस टू के और वन
के माइनस वन। और ये पॉइंट अगर फीट ऑफ परपेंडिकुलर या ऐसा कहते हैं कि ये इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो ये क्या इस प्लेन पर भी लाई करेगा, ये क्या करेगा बेटा इस प्लेन पर भी लाई करेगा। तो समतल का समीकरण कौन सा था, ये इसमें रख देंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू टू के प्लस वन प्लस माइनस में 2 माइनस टू के और प्लस जेड मतलब के माइनस वन प्लस 12 बराबर जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, 4k प्लस 4k तो 9k, 2 माइनस का 4 माइनस का 1 और 12 तो ये आ जाएगा 12 14 9 माइनस प्लस का 9 इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो स्पर्श बिंदु आ जाएगा हमारे पास, स्पर्श बिंदु क्या आ जाएगा बेटा, के का मान यहाँ रख देंगे माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस का वन, या माइनस वन रखेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये टू और टू फोर, और यहाँ माइनस वन रखेंगे तो माइनस टू। ये लीजिए माइनस वन फोर और माइनस टू, बाकी का नेक्स्ट क्लास में अभी समझेंगे अपन बेटा आगे।